वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाब नेशनल बैंक का रिजल्ट के बारे में बतलाने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को प्यून का ये बारे में रिजल्ट के प्रोसेसिंग के बारे में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। जयपुर अजमेर का देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30/4/2022 को लिया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट ईमेल दिया गया हुआ, ऑफिशियल नंबर दिया गया हुआ, जिससे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं कि प्रोसेसिंग क्या हुआ है नहीं हुआ, इसके सारे बारे में आप लोग घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। अर्थात आप लोगों को इसमें चयन प्रक्रिया में 40% 10वीं का एवं 60% 12वीं का मार्क्स को ऐड कर मेरिट लगाया जाता है और आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अजमेर के बात करें तो अजमेर में देखिए ओबीसी का 92.99% पर कट ऑफ गया है। जनरल का जो ईडब्ल्यूएस में आता है उनका 86.8 गया हुआ है, एससी का 78.01 गया हुआ। तो ये जो है कट ऑफ फॉर्म जो जाता है उसके हिसाब से ये कट ऑफ लगाया जाता है। इसमें पिता के नाम स्टूडेंट नेम पिता के नाम दिया गया हुआ है। उसी तरह हम बात करें जिला जयपुर का तो जयपुर में देखिए ईडब्ल्यूएस का 90.59% लिया गया हुआ, एससी का 89.11 लिया गया हुआ, जनरल का 89.01 गया हुआ। उसी तरह ओबीसी का 86 गया हुआ, कहीं 82 गया हुआ। तो ये जो है आप लोगों को फॉर्म जो वहाँ जाता है फॉर्म कितना गया, कितना प्रतिशत वाला गया, उसके अकॉर्डिंग टू आप लोगों को मेरिट लगाया जाता है। उसी फॉर्म में से छाट के आप लोगों को मेरिट लगाया जाता है। इसमें स्टूडेंट नेम पिता का नाम कैटेगरी दिया हुआ था, यहाँ आप लोगों को कितना कट ऑफ लगा, कितना कट ऑफ आपका हुआ, ये सारी जानकारी दिया जाता है। तो ये था जयपुर एवं अजमेर का, इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो इसका अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया हुआ है, फाइनल जो रिजल्ट है रोक दिया गया हुआ है। फाइनल रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं किया गया क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो है ऊपर से रोक दिया गया हुआ है सेंट्रल के तरफ से, इसीलिए अभी तक जारी नहीं किया गया हुआ है। देखिए किरनौल का जो स्टूडेंट भेजा है थोड़ा धुंधला है, फिर भी मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। फर्स्ट में देखिए नाम दिया गया, फादर्स नेम एड्रेस दिया गया हुआ है। इसमें देखिए जनरल का है जो 97 ले गया हुआ है, ओबीसी का 93 ले गया हुआ है, एससी का 92 ले गया हुआ है, ओबीसी का 92 ले गया हुआ है, इसी तरह लिया गया हुआ। इसमें भी फॉर्म में अधिक से अधिक देखिए ओबीसी का 90 का भी हुआ है, 91 का भी हुआ, 93 का भी हुआ। ये था करनौल जो हरियाणा में पड़ता, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का है, इसकी डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो गया है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 16/3/2022 के हुआ, पर इनका ज्वाइनिंग लेटर अभी तक जारी नहीं किया गया हुआ क्योंकि इनका ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया हुआ ऊपर से सभी डिस्ट्रिक्ट का, ऑल इंडिया में रोक दिया गया हुआ। इसमें देखिए आप लोगों को नंबर दिया गया हुआ, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और घर बैठे पूछ सकते हैं, जानकारी आप लोग ले सकते हैं। उसी तरह यमुनानगर का देखिए अप्लीकेशन आईडी देखिए इसमें दिया गया हुआ, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ दिया गया हुआ, कैटेगरी दिया गया हुआ है। देखिए जनरल का यमुनानगर में 94.96 गया हुआ, एससी का 92.32 गया हुआ, ओबीसी का बात करें तो 92.24 गया हुआ, ईडब्ल्यूएस के बात करें तो 70 गया हुआ है। उसी तरह ईएसएम के बात करें, ईएसएम जनरल का तो 62 गया हुआ, ईएसएम जनरल के बात करें तो 70 गया हुआ। मतलब फॉर्म जाने पर डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट कितना तक लगेगा। इसमें देखिए साफ शब्द में कह दिया गया हुआ
40% मैट्रिक का लिया जाएगा, 60% इंटर का लिया जाएगा। ये सेम देखिए कहीं पे 62 भी लगा है। जैसे जितना सीट होने के कारण जितना स्टूडेंट का वहाँ मार्क्स चेक होता है उसके अकॉर्डिंग टू आप लोगों को मेरिट लगाया जाता है। एससी का देखिए कहीं कहीं 91 पर भी उठाए गए हुआ, तो कहीं पे 88 पे भी उठाया गया हुआ। उसी तरह देखिए आप लोगों को मैं बतलाता हूँ, यमुना नगर का हो गया, कुरुक्षेत्र के बात करें तो कुरुक्षेत्र में देखिए ओबीसी कैटेगरी का 97 गया हुआ है, एससी का 97 गया हुआ है। ईएसएम देखिए सेलेक्ट कैटेगरी का 94 गया हुआ है, ईएसएम का ओबीसी का 95 गया हुआ है। ये फॉर्म गिरने पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा फॉर्म गिरता है उस हिसाब से आप लोगों को सभी को चेक किया जा सकता है कि आपका कैटेगरी कितना गया हुआ है, कितना प्रतिशत में आप लोगों को कैटेगरी में गया हुआ, उसी हिसाब से आप लोगों को फॉर्म। यहाँ 80 पर भी हो सकता है, 63 पर भी हो सकता है, 73 पर भी हो सकता है, 90 पर भी हो सकता है, 95 पर भी हो सकता है, या 97 पे भी हो सकता है। वो आप लोगों को फॉर्म गिरने पे डिपेंड करता है कि फॉर्म कितना ज़्यादा भराया है, उसके अनुसार आप लोगों को मेरिट लगाया जाता है। देखिए ईडब्ल्यूएस का 92 ले गया हुआ है, एससी का देखिए 93 कहीं ले गया है तो कहीं 95। तो फॉर्म को जो होता है उसमें ऊपर से देखा जाता है, ऊपर से नीचे तक देखा जाता है। इस ये जो था कुरुक्षेत्र का था जो हरियाणा में पड़ता है, उसी तरह देखिए एक और डिस्ट्रिक्ट के मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। इसका जो फॉर्म है 20 फरवरी 2022 को जारी किया गया हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें क्या है, बिजनौर का है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका जो है एससी का देखिए 86 ले गया हुआ है, एससी का 85 ले गया हुआ, 85 ले गया हुआ, एसटी का 81 ले गया हुआ है, और ओबीसी का 96 ले गया हुआ है। उसी तरह ओबीसी का भी 96 ले गया हुआ है, कहीं 59, ये तो कमजोर वर्गों का है। जो ओबीसी का देखिए 88 भी गया, 87 भी गया हुआ, जनरल का 82 सॉरी ईडब्ल्यूएस का 82 भी गया हुआ, 80 भी गया हुआ है, जनरल एक सर्विस मैन का 60 गया हुआ है, ओबीसी का एक सर्विस मैन का 59 गया हुआ है, 57 गया हुआ, 56 गया हुआ। तो एक सर्विस मैन का सबसे पहले लिया जाता है, उसमें जो सीट दिया हुआ रहता है उसमें करीब 20% एक सर्विस मैन को जाता है। जनरल एक सर्विस मैन में देखिए 60 नंबर पर लिया गया हुआ है, 60 नंबर पे 2 व्यक्तियों को लिया गया हुआ है। उसी तरह जनरल को जो है नेचुरल स्टूडेंट है जिनका एक सर्विस मैन नहीं है उनका 92 ले गया हुआ है, जनरल का 92, ओबीसी का 91, जनरल के 91 कहीं 91 कहीं 92। इसी प्रकार से वेटिंग कैंडिडेट का देखिए इसमें 84-86 ले गया हुआ है। कुछ और स्टूडेंट का है जो ओबीसी का 87 ले गया हुआ, 85, एससी का 56 जो एक सर्विस मैन है ओबीसी का 55 ले गया हुआ है, 56 ले गया हुआ, ईडब्ल्यूएस का जनरल नॉर्मल स्टूडेंट का 79 ले गया हुआ है, 89 जनरल का ले गया हुआ, ओबीसी का 87। ये सब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ बुलाया जाए गया है। इस सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया हुआ है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए 20 फरवरी 2022 को हुआ था, पर अभी तक इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हुआ क्योंकि सभी का ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया हुआ है, सभी का केंद्र से अभी तक अनुमति नहीं दिया गया हुआ इन लोगों को जारी करने का। बट नवंबर से दिसंबर तक सभी का
ज्वाइनिंग लेटर छोड़ दिया जाएगा, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका न नंबर देखिए लास्ट तक आप लोगों को हो सकता है क्लियर करवा ले, ना तो दिसंबर में ऑटोमेटिक क्लियर करवा लिया जाएगा, क्योंकि जनवरी से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म न्यू स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को दिसंबर तक नहीं लिया जाता है तो आप लोगों को सभी को फॉर्म जो है रिजेक्ट कर कर नए सेशन में जोड़ दिया जाएगा, 2023 में जनवरी में जोड़ कर फॉर्म को निकाल दिया जाएगा, फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से। और जिन व्यक्ति को अभी तक नहीं निकला है तो घबराइए मत, नवंबर तक दिसंबर तक इंतज़ार कीजिए, अगर नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो दिसंबर में ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। अब जो होगा प्रोसेस बहुत फास्ट लिया जाएगा, और सभी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। आप लोगों को कट ऑफ के बारे में तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि कट ऑफ किस प्रकार से जा रहा है, जिस स्थान पे सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा है, जिस राज्य में जिला में उस ज़िले में कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया हुआ है, जिसमें कम फॉर्म गिरा है उसमें कम गया हुआ है। इसीलिए घबराइए मत, जितना है उतना पर ध्यान दीजिए, हो सकता है आपको सिलेक्शन हो जाए, वहाँ फॉर्म कम गिरा हो। और नवंबर से लेकर दिसंबर तक के अभी आप लोगों के पास टाइम है, उसमें आप लोगों को हो सकता है, अगर नवंबर दिसंबर में जिनका नहीं हुआ वो जनवरी के न्यू सेशन से फॉर्म फिर से भर दीजिएगा। इस बार लेट थोड़ा चल रहा है पीएनबी का प्रोसेसिंग, प्यून का 2023 में प्यून का प्रोसेसिंग फास्ट चलेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता है सिलेक्शन तो 2022 प्लस 2023 दोनों के जोड़ के वैकेंसी लिया जाएगा, अप्लाई करवाया जाएगा और दोनों को फास्ट सिलेक्शन करवाया जाएगा। दोनों से दोनों जल्द से जल्द फॉर्म को भरवाया जाएगा, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा न्यू फॉर्म, और जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ वो इंतज़ार कीजिए, दिसंबर तक आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो घबराइए मत, उनका ज्वाइनिंग दम ऑटोमेटिक होना ही होना है, ज्वाइनिंग लेटर उसको मिल जाएगा दिसंबर लास्ट लास्ट तक। और अगर आप लोगों किसी को भी कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा कि आप लोगों को सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी मैं दे दूंगा। दिल्ली वाले को मैंने चढ़ा दिया है वीडियो कब का, वो आप पीछे देख सकते हैं, दिल्ली वाले का रिजल्ट आ गया था, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर अभी क्लियर नहीं करवाया गया हुआ है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में। धन्यवाद।